दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अच्छे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं सुजोग थेरापी फॉर इम्पोटेंस या तो फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिनको आप नपुंसकता भी बोल सकते हो। यह कंडीशन में पुरुषों का लिंग उठने में तकलीफ होती है। तो दोस्तों यह सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हो। दोस्तों सुजोग थेरापी फॉर इम्पोर्टेंस यानी कि नपुंसकता के लिए यहाँ पर मैं तीन पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वह हमें मिडल की दो फिंगर यानी कि रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में मिलेगा। तो यहाँ पर पहले हमें यह दो फिंगर के बीच में एक पॉइंट नोट आउट करना है। दूसरा पॉइंट हमें रिस्ट पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, रिस्ट लाइन यानी कि कांडे की लाइन पर मिडल में एक पॉइंट नोट आउट करना है। अभी यह दोनों पॉइंट को हमें कनेक्ट करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो पहला पॉइंट है सुजोग थेरापी फॉर इम्पोर्टेंस नपुंसकता के लिए, वह पॉइंट हमें जो हमारी हाथ की रेखा होती है, इस तरीके से जो पहली रेखा होती है वह रेखा और हमारी जो सीधी रेखा है वह दोनों रेखाओं को कनेक्ट करने वाला पॉइंट हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें जो ऊपर की लाइन है वह लाइन को तीन भाग में डिवाइड करना है दो पॉइंट से। उसमें जो ऊपर वाला पॉइंट है वह हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अभी तीसरे पॉइंट हमारा हमें मिडल फिंगर पर जो बीच वाली डिजिट होती है वहाँ पर मिलेगा। इनके लिए हमें बीच वाली डिजिट पर एक खड़ी लाइन ड्रॉ करनी है और दूसरी आड़ी लाइन ड्रॉ करनी है। अभी यह दो लाइन को कनेक्ट करने वाला जो सेंटर का पॉइंट है उनसे थोड़ा सा ऊपर हमें हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट सुजोग थेरापी फॉर इम्पोर्टेंस नपुंसकता या तो फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब कि लिंग उठने में तकलीफ हो रही है, यह भी बोल सकते हैं। तो यह सभी चीज़ के लिए यह तीन पॉइंट हमें बहुत ही फायदा देंगे सुजोग थेरापी फॉर इम्पोर्टेंस के लिए। तो यह अभी तीनों पॉइंट को हमें अच्छी तरीके से एक्यूप्रेशर देना है। हर एक पॉइंट को 2 से 5 मिनट के लिए आपको एक्यूप्रेशर देना है, उनको प्रेस करना है, मसाज देना है, यह सभी पॉइंट को आपको एक्टिवेट करना है। दोस्तों अभी हम यह तीनों पॉइंट को हम सुजोग सीड थेरापी से ट्रीटमेंट देने वाले हैं। तो यहाँ पर सुजोग सीड थेरापी के लिए मैं मूंग के दाने यूज करने वाला हूँ। तो यह मूंग के दाने को हमें तीनों पॉइंट पर एक एक मूंग के दाने को लगा देना है। तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच चौड़ी पेपर टेप लेने वाला हूँ और यह पेपर टेप पर मैं एक मूंग के दाने को लगा के जो हमारे तीनों पॉइंट है वहाँ पर यह मूंग के दाने को अच्छी तरीके से दबा के चिपका देना है ताकि यह मूंग का दाना जो हमारा पॉइंट है उनको अच्छी तरीके से दबाए। दोस्तों यहाँ पर सीड इसीलिए यूज़ करना है क्योंकि सीड में जर्मिनेटिंग यानी कि हीलिंग एनर्जी होती है, जो एनर्जी हमारा जो डिसीज है उनको हील करने में फ़ायदा करती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमें सीड यूज़ करना है। दोस्तों एक बार आपने यह सीड यूज़ कर लिया फिर उनको दूसरी बार यूज़ नहीं करना है। यह सीड को आपको निकाल के फेंक देना है, दूसरी बार हमें नए सीड यूज करना है। तो दोस्तों इस तरीके से तीनों पॉइंट पर हमें मूंग के दाने को चिपका देना है, उनको अच्छी तरीके से लगाना है, उनके ऊपर दूसरी पेपर टेप भी आप लगा दीजिए। अभी यह तीनों सीड को हमें अच्छी तरीके से दबाना है, हर एक घंटे 2 से 5 मिनट के लिए दबाते रहना है, इस तरीके से दबाते रहना है और 5 से 6 घंटे कम से कम इनको रखना है, उनसे ज़्यादा भी आप रख सकते हो। यह सीड को आप दिन में लगा सकते हो या तो रात में सोते समय भी लगा सकते हो। तो दोस्तों यह हो गई सुजोग थेरापी फॉर इम्पोर्टेंस। दोस्तों अगर आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इनको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल पाए। लाइक और कमेंट देके मुझे फीडबैक दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए हेल्थ टिप्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।